बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो शनि की उल्टी चाल की हम बात कर रहे हैं, शनि की उल्टी चाल का मामला क्या है। देखिए, शनिदेव अभी तक कुंभ राशि में विद्यमान हैं। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि और शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनि अभी तक मौजूद हैं। अब वो 5 जून को वक्री हो रहे हैं। क्या होता है वक्री होना? एक ऐसा आभास होता है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ऐसा लगता है कि ग्रह पीछे की तरफ चल रहे हैं। इसको कहते हैं वक्री होना और इसको कहते हैं कि किसी ग्रह की जो चाल है वो उल्टी हो गई है। तो 5 जून से शनिदेव की चाल उल्टी हो रही है, शनि वक्री हो रहे हैं। शनि की ये चाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 ग्रह ज्योतिष में ऐसे हैं जिनका मूवमेंट, जिनके चाल में परिवर्तन बहुत बड़े बड़े प्रभाव पैदा करता है। पहला ग्रह है बृहस्पति और दूसरा ग्रह है शनि। जब जब इनकी चाल बदलती है, देश दुनिया में बड़े परिवर्तन होने की संभावना बन जाती है। अब शनि की चाल चूंकि उल्टी हो गई है, इसलिए 7:30 की स्थिति बदल जाएगी। जिन लोगों के ऊपर ढैया चल रही है उनकी स्थिति बदल जाएगी और गोचर की स्थिति यानी ब्रह्मांड में भी शनि एक साथ 8 राशियों को प्रभावित करेंगे। मोटे तौर पे कुंभ से और मकर से दोनों से असर डालेंगे। इस परिवर्तन से लगभग 8 राशियां प्रभावित होंगी। सामान्यता क्या होता है कि शनि जब किसी राशि में होते हैं तो लगभग 5 राशियां प्रभावित होती हैं, लेकिन शनि के वक्री हो जाने की वजह से लगभग 8 राशियां प्रभावित हो जाएंगी सीधे तौर से, और 4 राशियां जो बाकी बची हुई हैं वो भी इनडायरेक्टली प्रभावित होंगी। यानी ये बात समझिए कि शनि की ये उल्टी चाल हर राशि के ऊपर गहरा प्रभाव पैदा करेगा, हर राशि के ऊपर गहरा असर डालेगा। वक्री होने का मतलब ये है कि शनि जब कुंभ में है तो कुंभ में बैठ करके वो अलग अलग राशियों को प्रभावित कर रहे हैं, 5 राशियों को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अब जब उनकी चाल उल्टी हो गई तो वो पिछली राशि से यानी मकर राशि से भी अलग अलग राशियों पर असर डालना शुरू कर देंगे। और शनि के असर डालने पर ही 2 काम दुनिया में होते हैं, एक है विवाह और दूसरा है संतान। इसलिए विवाह और संतान के प्रभाव और परिणाम भी बदलेंगे। बहुत सारे लोगों के विवाह के योग बनेंगे और बहुत सारे लोगों के विवाह के योग कमजोर होंगे। हैं कि शनि की जो उल्टी चाल है इसकी वजह से 7:30 और ढैया का क्या असर अब बनेगा। देखिए, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर 7:30 चल रही है। मीन राशि पर 7:30 29 अप्रैल को शुरू हुई है, मकर और कुंभ पर पहले से चल रही है। अब शनि के वक्री होने से क्या होगा कि फिर से धनु राशि पर 7:30 जैसी स्थिति बन जाएगी। धनु राशि की 7:30 वैसे तो उतर गई थी 29 अप्रैल को, लेकिन पुनः शनि के वक्री होने की वजह से धनु राशि पर 7:30 जैसी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है, मिथुन राशि और तुला राशि पर ढैया उतर चुकी थी। अब क्या होगा कि फिर से मिथुन राशि और तुला राशि पर ढैया जैसी स्थिति बन जाएगी। अब होगा क्या कि शनि दोबारा से पूरी तरह से कुंभ राशि में 18 जनवरी 2023 के बाद आएंगे। तो जब 18 जनवरी 2023 के बाद आएंगे तब जाकर धनु की 7:30 पूरी खत्म होगी, मिथुन राशि और तुला राशि की ढैया पूरी तौर से खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है, 3 नहीं 4 राशियों पर शनि की 7:30 का प्रभाव है, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। और 4 राशियों पर ढैया का भी प्रभाव है, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि।
ये स्थिति जो बदलेगी वो 18 जनवरी के बाद बदलेगी। तो तीन राशियों के लोग जो बहुत ज्यादा प्रसन्न थे वो थोड़ा सावधान हो जाएं, थोड़ी सी सावधानी रखें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप घबराइए या डरिए, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। और ज्यादा संभावना यही है कि 18 जनवरी के बाद धनु की साढ़े साथी पूरी तौर से गायब हो जाएगी और मिथुन तुला की ढैया पूरी तौर से उतर जाएगी। अब शनि जो है वो लोकतंत्र का मालिक है, जनता का मालिक है, जनता का रिप्रेजेंटेशन करता है, लोगों के सोच विचार पे असर डाल देता है। तो शनि की उल्टी चाल का देश दुनिया पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी समझते हैं। देखिए अब क्या होगा कि शनि कुंभ में वक्री हुए तो मकर राशि से वो मंगल को तीसरी दृष्टि से प्रभावित करेंगे, यानी अब मंगल शनि का संबंध बन जाएगा, इसलिए दुर्घटना और युद्ध जैसी संभावनाएं बनेंगी। जो युद्ध चल रहा है अभी थोड़ा डाउन स्थिति में है, लेकिन वो एकदम से तेज हो सकता है। इस समय वाहन दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी, खासतौर से एयरप्लेन के लिए, हवाई जहाज के लिए, और जो जमीन पर चलने वाले वाहन हैं उनके लिए वाहन दुर्घटना की संभावनाएं और प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावनाएं हो सकती हैं। शनि मंगल का जो संबंध है, अब उसमें चूंकि इन्वॉल्वमेंट शनि मंगल का है, मकर राशि इन्वॉल्व है, मेष राशि इन्वॉल्व है, जो राजनीति से संबंध रखती है, इसलिए जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी राजनेता हैं, खासतौर से जो बड़े राजनेता हैं, उनको अपनी सुरक्षा का इस समय ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय सुरक्षा को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। और आप देखेंगे कि अब लगभग 1.5 महीने तक लोगों का दिमाग थोड़ा गर्म होगा, लोगों को गुस्सा ज्यादा आएगा, लोग ज्यादा इरिटेट होंगे और वैवाहिक जीवन में भी लोगों के समस्या पैदा होगी, वैवाहिक जीवन में भी बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं। तो एक आम आदमी को इस समय अपने क्रोध का और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान निश्चित रूप से बनाए रखना होगा। अब शनि की उल्टी चाल का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मोटे तौर से शनि जो वक्री हो रहे हैं वो 5 जून को हो रहे हैं और पिछली चाल चलते चलते वो 13 जुलाई को फिर मकर में चले जाएंगे, तो 13 जुलाई से लेके 18 जनवरी तक वो मकर में बने रहेंगे। अब ये समझते हैं कि शनि की इस उल्टी चाल का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोटे तौर से ये प्रभाव जो है वो अगले 18 जनवरी तक अलग अलग राशियों पर पड़ेगा, उनके जीवन पर अलग अलग गहरा असर डालेगा। तो अलग अलग राशियों पर शनिदेव की इस उल्टी चाल का क्या प्रभाव है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मेष राशि वालों के लिए तो अच्छा है मामला, क्योंकि एकादश और दशम को शनि प्रभावित करेंगे तो आपके करियर में एक तो बदलाव होगा, जो बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेगा, साथ ही साथ आपके लिए लाभ की स्थितियां भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी करियर में बदलाव, सुधार और लाभ होने के योग आपके लिए बनेंगे। शनि की ये उल्टी चाल आपके लिए बिल्कुल सीधी पड़ने वाली है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए ये जो परिवर्तन है ये दशम और नवम भाव को प्रभावित करेगा। अपने पिता के लिए सतर्क रहिएगा, आपके पिता के स्वास्थ्य में इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की लापरवाही मत करिए। और अगर आप कोई चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 6 महीनों में आपका स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। मिथुन राशि, आपके करियर में थोड़ी बहुत बाधा आती हुई दिखाई दे रही है, करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिव हो जाएगा, इसलिए करियर में मुश्किलें आ सकती हैं और बेवजह के झगड़े झंझट पुलिस कचहरी के शिकार हो सकते हैं। शांति बनाए रखिएगा और करियर में थोड़ी मेहनत करिएगा, ऊल जलूल विवादों से बचिए वरना आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी।
कर्क राशि अष्टम और सप्तम दोनों भाव को शनि प्रभावित करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपकी शादी या तो हो जाएगी या तो आपकी शादी तय हो जाएगी, उसकी सुंदर संभावनाएं आपके लिए दिख रही हैं। आपके करियर में इस समय लाभ होने के योग भी हैं। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो आपको लाभ और भी ज्यादा होगा। तो अगर आप अविवाहित हैं और आपकी राशि कर्क है तो विवाह के लिए इस समय कोशिश कर सकते हैं। सिंह राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। शनि की उल्टी चाल आपके लिए बिल्कुल सीधी पड़ने वाली है और आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय बनेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहिए और जो महत्वपूर्ण काम है अब उनको निपटाने की कोशिश करिए, वो सारे काम आपके निपट जाएंगे। कन्या राशि, संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में रह सकती है। संतान पक्ष की चिंताएं इस समय हो सकती हैं। चेंज ऑफ प्लेस यानी स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन संतान को लेके, उसके स्वास्थ्य को लेके, उसके जीवन को लेकर के, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के इस समय तनाव थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, उसका आपको ध्यान बनाए रखना है। अब जानते हैं बाकी बची हुई राशियों पर। हमने मेष राशि से लेकर कन्या राशि की बात कर ली, अब हम बात करेंगे तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के हाल के बारे में और जानेंगे कि बाकी बची हुई राशियों पर शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बात कर लेते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखना होगा। शनि की वजह से आपकी सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। मैंने पहले भी कहा कि एक तरह से ढैया लौट करके वापस आएगी, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। चेंज ऑफ प्लेस की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन जब तक बहुत जरूरी ना हो स्थान परिवर्तन मत करिएगा। वृश्चिक राशि, काम में आपकी बाधा आएगी। बहुत सारे काम आपने ले रखे हैं और काम में थोड़ी बाधा आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी मेहनत से काम आपके बनेंगे और धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। यानी पैसे का फायदा होगा थोड़ी मेहनत से, काम में थोड़ी मुश्किलें आएंगी लेकिन मेहनत से आप काम निपटा ले जाएंगे। धनु राशि, करियर में थोड़ी व्यस्तता बढ़ेगी आपकी, काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे, दौड़ भाग बहुत रहेगी। इस चक्कर में फैमिली लाइफ को नजरअंदाज करना पड़ेगा और इस चक्कर में परिवार में प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा, खासतौर से धनु राशि के वो लोग जो डायबिटिक हैं या जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो थोड़ी सावधानी ज्यादा रखेंगे। मकर राशि, आपके करियर में कुछ न कुछ परिवर्तन इस समय जरूर होगा। आपकी कुर्सी बदल जाए, आपका डिपार्टमेंट बदल जाए, इंटरनल कोई चेंज होगा, जो परिवर्तन आपके लिए कुल मिला के ठीक रहने वाला है और धन का लाभ होता हुआ भी आपके लिए इस समय दिखाई दे रहा है। तो मकर वालों के लिए शनि की उल्टी चाल सीधी है, लेकिन मकर वाले ओवर कॉन्फिडेंस में बेवकूफियां नहीं करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के निर्णय नहीं लेंगे, तो इनके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिए, क्योंकि सेहत को लेकर के आपकी मुश्किलें थोड़ी होंगी, सेहत में दिक्कतें परेशान कर सकती हैं और बेवजह का काल्पनिक तनाव भी आपको परेशान कर सकता है। मेंटल डिप्रेशन जैसी स्थितियां, बेवजह की चिंता जैसी स्थितियां इस समय आपके लिए बन सकती हैं और उसका असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। तो एक तरफ मन की समस्या और दूसरे तरफ शरीर की समस्या आपके लिए दिख रही है। मीन राशि, धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बनेंगे। शनि की उल्टी चाल बिल्कुल सीधी पड़ेगी आपके लिए और आपको बहुत सारे पैसों का फायदा होगा, धन लाभ की स्थितियां बन जाएंगी। साथ ही साथ आपके करियर में भी बदलाव की स्थिति निश्चित रूप से दिखाई दे रही है, आपके करियर में भी इस समय बदलाव हो सकता है।
और अगर कोई ऐसा बदलाव होता है आंख मूंद करके उसको एडॉप्ट कर लीजिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। धनी की उल्टी चाल का कुछ राशियों पर उल्टा प्रभाव है, कुछ राशियों पर सीधा प्रभाव है। अब जिनके लिए शनि की उल्टी चाल भारी है या शनि की उल्टी चाल नुकसान पहुंचा सकती है आने वाले समय में, उनको किस तरह के उपाय करने चाहिए? रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। रुद्राक्ष की माला से अपने घर में बैठ करके सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र पढ़ें। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप जरूर करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बहुत बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो दीपक जलाया जाएगा वो एक मुखी होगा कि चार मुखी होगा। देखिए, बेसिकली एक दीपक लेंगे, उसमें तेल भरेंगे, दो बातियां लगाएंगे क्रॉस करती हुई, और जो सिरा पीपल की तरफ होगा उस सिरे को जला देंगे। तो दीपक तो एक मुखी ही होगा, लेकिन बातियां उसकी दो होंगी क्रॉस करती हुई, और जो सिरा पीपल की तरफ होगा वो सिरा आप जला देंगे तो उससे आपको लाभ होगा। एक मुखी दीपक ही जलता है शनि के लिए, लेकिन उसमें जो बातियां लगती हैं वो दो होती हैं। जो बातियां होती हैं वो दरअसल स्वस्तिक का प्रतीक होती हैं। तो एक तो शनि मंत्र पढ़ेंगे सुबह शाम, दूसरा शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, और तीसरा काम शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान करेंगे। किसी गरीब आदमी को हर शनिवार को खाना खिला दीजिए, होटल में खिला दीजिए, घर ले आके खिला दीजिए, घर से बनवा करके गरीबों में खाना बांट दीजिए, या उसको खाने पीने की चीजों का दान कर दीजिए। ये अगर तीन काम आप नियमित रूप से करते रहें और वो काम आप अभी शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से शनि की उल्टी चाल का आपके ऊपर उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, धनु राशि साढ़े साती वापस आ गई, मिथुन राशि और तुला राशि ढैया वापस आ गई, ढैया रिटर्न्स। तो अगर साढ़े साती और ढैया वापस लौट करके आती है तो उस समय सावधानियां थोड़ी ज्यादा रखनी होती हैं। हालांकि देखिए, शनि की जो स्थिति बदली, अच्छी बुरी हुई, वो आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर ज्यादा निर्भर करती है, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में शनि की स्थिति परिवर्तन होने की वजह से धनु, मिथुन और तुला वालों को ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना होगा।